हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी का मसाला। तो ये कचौरी का मसाला आप एयरटाइट कंटेनर में अगर स्टोर करके रखते हैं, 5 से 6 मिनट तक हम इसे रख सकते हैं, और इससे फटाफट आपका जब भी मन करे तो आप कचौरी बना सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको दाल भिगाने का कोई झंझट नहीं होगा, और आप चाहें तो इसे आटे में मिक्स करके बना सकते हैं। और अगर आपको स्टफिंग करनी है तो आप 10 मिनट के लिए इसे 1/2 वाटर के साथ भिगा के रखेंगे तो वो अच्छा सा डो बन जाएगा। जैसे आपको अगर 1 कटोरी बनाना है पाउडर, 1 कटोरी लेंगे तो उसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करके आप भिगा के रख देंगे तो ये परफेक्ट डो बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है, ये लिया है 1 कटोरी मैंने दाल, उड़द की। उड़द दाल को मैंने ये भिगा के रखा है, ये भीगी हुई उड़द दाल है। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जो मैंने लिया है, ये है धनिया और ये सौंफ। धनिया खड़ी ली है मैंने, इसका टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि हम इसे रोस्ट करके पीसेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये धनिया है, ये है सौंफ जो हमने 2-2 चम्मच लिए, 2 छोटे चम्मच धनिया, 2 छोटे चम्मच सौंफ। ये है हमारा मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च मैंने ली है, और नमक। इसके अलावा मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। पहले और पैन में हमने उड़द दाल डाल के इसको भून लेना है। तो इसको तब तक भूनना है जब तक कि पूरी तरह से सूख ना जाए, इससे एकदम खड़खड़ की आवाज ना आने लगे। और इसे हमें लो फ्लेम में ही भूनना है जिससे ये अच्छे से भून जाए। अगर हमारी फ्लेम तेज होगी तो ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएगी, मगर अच्छे से भुनेगी नहीं है। तो हमें लो फ्लेम में इसे भूनने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको भून के दिखाती हूँ। ये दाल का हमारे कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये सूखने भी लगी है, लेकिन अभी मुझे ये अभी और भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर ना लेने लगे। अभी थोड़ी देर और भूनते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारी दाल लगभग हो गई है, ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आ गया है इसमें, और इसको चलाने में आवाज भी आने लगी, आप सुन सकते हैं। ये दाल हमारी लगभग हो गई है। और एक बात और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियोस के बारे में। ये दाल हमारी हो गई है, तो अभी हम दाल को अलग कर लेते हैं। भुनाने के बाद ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसे अलग कर लेते हैं एक प्लेट में। और अब हम इसमें अपने मसाले भूनेंगे। तो सबसे पहले ये डालेंगे जो हमने धनिया लिया हुआ था, धनिया और सौंफ, इनको रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से भून जाएंगे, इससे खुशबू आने लगे, इतना भूनेंगे हम इसे। ये हमारा धनिया और सौंफ भुन गया है, इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसमें हम इसी में मसाले अपने ऐड कर देंगे। ये है गरम मसाला जो हमने लिया हुआ था, वो भी हम डाल देंगे। ये है मिर्ची पाउडर, ये भी हमने डाल दिया। नमक क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। इसी में अब हम डालेंगे हींग, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये हम इसमें हींग भी ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच। और फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपका मन करे तो ऐड करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ये मैंने 1/4 टीस्पून अमचूर डाल दिया। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी, और अब इन सारी चीजों को हम अपने दाल में मिक्स करके थोड़ा ठंडा होने पे इसे पीस लेंगे। तो अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। इसमें दाल भी हमने मिक्स कर दी और इसको थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, 5 से 10 मिनट, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये दाल और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसे जार में डाल के पीस लेते हैं। हमें ये श्योर होना होगा कि कहीं भी कुछ भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टोर करने पे ये खराब हो जाएगा।
तो एकदम ये भी हमारा ड्राई होना चाहिए मिक्सी पॉट। अब इसमें हम डाल के पीस लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कचौड़ी का मसाला तैयार है और एकदम परफेक्ट मसाला बना हुआ है ये। इसे आप चाहे तो आटे में मिक्स करके बनाइए या फिर इसकी स्टफिंग करिए तो भी, हर तरह से ये आप इसे 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। ये हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 5 to 6 मंथ आराम से इसे रख सकते हैं और इंस्टेंट बनता है। ये देखिए कचौरी का मसाला रेडी है।